देखो परसेंटेज के पार्ट 33, राम की आय मोहन की आय से 10% अधिक है, किंतु सोहन की आय से 10% कम है। उसमें बतावे कि मोहन की आय सोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, उसमें आदमी कितना नजर आ रहा है? तीन, राम, मोहन और सोहन। तो राम दूसरा है, मोहन तीसरा, सोहन। तो राम की आय मोहन की आय से 10% अधिक है, यानी राम का इनकम मोहन के इनकम से कितना अधिक है? 10% अधिक है, यानी ये अधिक है, ये बड़ा बड़ा है। इसके बाद फिर दिया है, किंतु सोहन की आय से 10% कम है। राम के बारे में ही कहा जा रहा है कि मोहन की आय से 10% अधिक है राम की आय, लेकिन उसी राम की आय सोहन की आय से 10% कम है, यानी राम की आय मोहन की आय से 10% अधिक है, लेकिन सोहन की आय से इनकम से 10% कम है। तो इसको सोहन को पहले लिखते हैं, इसका अर्थ समझा? सोहन ग्रेटर देन राम इनकम में, यानी सोहन का 10% अधिक है, ग्रेटर देन 10% इनकम। राम की आमदनी से सोहन की आमदनी ग्रेटर देन है, कितना से? 10% से, है ना। इसके बाद कहता है, इसको अब मिटा दे, इसको पहले ले आए, लेकिन मोहन के इनकम से राम का इनकम ज्यादा है, यानी राम का इनकम ग्रेटर देन मोहन का इनकम कितना से अधिक है? तो मोहन से 10% अधिक है। प्रश्न को समझा? सोहन का इनकम राम के इनकम से 10% अधिक है, सॉरी कम है। राम का इनकम सोहन के इनकम से 10% कम है और मोहन के इनकम से 10% अधिक है, समझा? 10% कम राम का है किससे? सोहन से, और 10% अधिक राम का ही है, 10% अधिक किससे? तो मोहन से। अब देखो इसको समझा, राम की आमदनी 10% कम है सोहन से, और राम की आमदनी 10% अधिक है किससे? तो मोहन से। राम का इनकम ग्रेटर देन मोहन का इनकम, और सोहन से 10% कम है, इसका मतलब सोहन का अधिक है, राम से इनकम है ना जी। तो ग्रेटर देन सोहन का इनकम ग्रेटर देन राम का इनकम। पूछा इसमें बतावे कि मोहन की आय सोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये मोहन की आय सोहन के आय से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा जा रहा है आंसर में। तो हम लोग लास्ट को मान करके बनाते हैं, पूछ रहा है ना क्वेश्चन में मोहन की आय सोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो मान लेते हैं एक्स प्रतिशत कम है, माना कि मोहन की आय सोहन की आय से एक्स प्रतिशत कम है, माना कि
10% और सॉरी 1% कम है, 1% कम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 1% कम, अगर मान लो 10% कम तो 100 में 10 कम, 5% कम तो 100 माइनस 5 यानी 100 में 5 कम, तो 100% कम तो 100 में x कम होगा। इन मोहन की आय सोहन की आय से 100% कम है। अगर मान लो सोहन का आय है 100 रुपया तो मोहन की आय कितना होगा, 100 रुपया कम, 10% कम में 10 रुपया घटाते, -10 = 90 रुपया। तो यहाँ x माने हैं 100% कम है तो x घटाएंगे 100 रुपया में। सोहन की आय अगर 100 रुपया है तो मोहन की आय 100% कम यानी 100 - 100 रुपया किसका, मोहन की आय होगा। इसका अर्थ हुआ अर्थात अगर सोहन की आय 100 रुपया है तो मोहन की आय 100% कम है, तो मोहन की आय कितना होगा, 100 रुपया में से 100 रुपया घट जाएगा यानी 100 - 100 रुपया, समझ रहे हो। उसके बाद आ जाओ, मोहन का इनकम निकल चुका है, सोहन का 100 रुपया है, मोहन का 100 - 100 है, तो अब एक आदमी मोहन सोहन की चाचा हो गई तो अब राम न बच रहा है, तो राम के बारे में चर्चा करेंगे। राम की आय देखो, राम 10% अधिक है किससे, तो मोहन से है ना। मोहन का अगर 100 रुपया है तो इसका 100 में 10 अधिक 110 होगा, होगा ना। तो राम की आय निकालेंगे, मोहन की आय से 10% अधिक है, मोहन का आय निकल चुका है, देख रहे हो, क्योंकि राम की आय मोहन से 10% अधिक है यानी अगर मोहन की आय 100 रुपया है तो राम की आय मोहन से 10% अधिक है, 100 में 10 अधिक। तो अगर मान लो मोहन की आय 100 रुपया होगा तो राम की आय 100 + 10 110 रुपया होगा, 100 में 10 अधिक है, 10% अधिकार। अगर मोहन की आय 100 रुपया है तो राम की आय कितना होगा, 100 राम की आय 10% अधिक, 100 में 10 अधिक यानी 110 रुपया होगा। अगर मोहन की आय 1 रुपया है तो राम की आय कितना होगा, 110 / 100 रुपया, एक एक नियम से, तो 110 / 100 रुपया। इसीलिए अगर मोहन की आय कितना निकला है, 100 - 100 रुपया है, 100 - 100 रुपया है तो राम की आय की 0 0 कट गया, 11 / 10 गुणे 100 - 100 रुपया होगा, बोलो तो राम की आय निकल गया।
तो ठीक है, तो इतना को उतारो तो बराबर सीधा रहता है। चलो देखो तीनों का इनकम निकल चुका है, सोहन का आय 100 रुपया, मोहन की आय 100 रुपया, उसके बाद आ जाओ मोहन का हो गया 100 माइनस 100 रुपया, तीनों आदमी का निकल गया है। सोहन मोहन हो गया, सोहन मोहन बच गया राम, तो राम का कितना निकला है बोलो। मिला मोहन की आय 100 माइनस 100 रुपया है, तो राम की आय इतना हो गया। तो कोष्ट को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 11 100 गुना होगा। चलो ना इसको अच्छा तोड़ दो पोस्ट, 1100 को 100 से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस, 11 को 100 से गुना करेंगे 11 x 10 रुपया। इसको समझा बोलो तो। तो सबसे पहले हम लोग मान लिए मोहन की आय सोहन की आय से x प्रतिशत कम है, इसके आधार पर हम लोग को सोहन की आय माने x, तो मोहन की आय 100 माइनस 100 होगा, x प्रतिशत कम, और मोहन से 10% राम का अधिक है, मोहन की आय 110 इतना है, तो हम लोग निकाले हैं तो राम का आय निकला है ना। लेकिन अभी राम का सोहन से भी तो कम है, ये भी तो निकालना होगा 10%। ये राम की आय जो निकली है मोहन की आय को आधार बनाते हुए, जो राम मोहन से 10% अधिक कमाता है, 100 में 10 अधिक कमाता है, इसलिए मोहन जब इतना कमाएगा तो कितना कमाएगा राम, तो राम की आमदनी इतनी निकली है। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण एक। अब पुनः राम की आमदनी पीछे वाला से तुलना करके निकालो, तो राम 10% कम कमाता है सोहन से, इसका मतलब सोहन 100 रुपया कमाता है तो राम कितना कमाता है, 10% कम, यानी 100 में 10 कम, 100 माइनस 10 90 रुपया राम कमाता है ना। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, राम की आय मोहन की आय से 10% अधिक, किंतु सोहन की आय से 10% कम, सोहन से 10% कम कमाता है। प्रश्न से राम सोहन से 10% कम कमाता है, अर्थात जब सोहन से 10% कम, यानी 100 रुपया में 10 रुपया कम, जब सोहन
100 रुपया कमाता है तो राम सोहन से 10% कम, तो राम 100 माइनस 10 बराबर 90 रुपया कमाता है। प्रश्न से तो यह हुआ इतना कमाएगा तो राम की आय कितना हो गया 90 रुपया हुआ, इसलिए राम की आय बराबर 90 रुपया। क्यों? सोहन वास्तव में 100 रुपया कमाता है, देखो सोहन की आय 100 रुपया, 100 रुपया में राम 10% कम यानी 10 रुपया कम कमाता है, तो इसका मतलब राम 90 रुपया कमाता है। ये हो गया समीकरण दो। समीकरण एक में देखो राम की आय है इतना, समीकरण दो में देखो राम की आय है 90 रुपया, तो ये भी तो 90 रुपया है। तो समीकरण एक और दो से ये दोनों बराबर हो गया। हम लोग मोहन से तुलना किए तब राम की आमदनी, राम की आय निकला कितना, राम की आय इतना निकला। जब सोहन से तुलना किए तो राम की आय 90 रुपया निकलता है। आखिर दोनों से तुलना करेंगे तो एक ही तरह की आमदनी होगी, तो दोनों आमदनी बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण एक और दो से एक में है राम की आय 1100 माइनस 11x 1100 माइनस 11x बटा 10 रुपया, दूसरी तरफ है 90 रुपया। ये तो इक्वेशन हो गया, इसको हल करेंगे। ग्यारह सौ माइनस 11 ये पृथक गुना करेंगे तो 900। 1100 माइनस 900 प्लस 900 को पहले लाएंगे माइनस 900, इसको आगे ले जाएंगे तो 11x। अब 11x को पहले लाएंगे, 1100 में से 900 गया 200, इसीलिए x बराबर 200 बटा 11। पूर्णांक में तोड़ोगे तो हो गया 11 9 11 88 बटा 11। तो हम लोग जो माने थे, माना कि मोहन की आय सोहन की आय से x प्रतिशत कम है, तो x और फिर प्रतिशत लगाओ, तो यहाँ x का मान 18 पूर्णांक 2 बटा 11 निकला है, प्रतिशत निकालो तो 18 पूर्णांक 2 बटा 11% कम है। समझा इसको? इसलिए आंसर हो गया 18 पूर्णांक 2 बटा 11%। ये पहली विधि है, अगले पार्ट में दो विधि और बतलाएंगे।